हेलो हेलो। ठीक है, रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट हो गई। हमारे से लास्ट टॉपिक रह गए हैं कुछ, इसको ज़रा ख़त्म करते हैं यार। ना एक टॉपिक फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या? मेल और फीमेल के सेल्स का फ्यूजन होना। मेल और फीमेल के सेल्स का फ्यूजन होना इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? आफ्टर रीचिंग द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ द सेम काइंड ऑफ प्लांट, द पोलन ग्रेन एब्जॉर्ब्स द मॉइस्चर फ्रॉम द स्टिग्मा सरफेस एंड बिगिंस टू ग्रो अ ट्यूब। वो क्या कह रहा है? जब एक फ्लावर का स्टिग्मा, ठीक है, सेम प्लांट के आफ्टर रीचिंग द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ द सेम काइंड ऑफ प्लांट, ठीक है, द पोलन ग्रेन्स एब्जॉर्ब द मॉइस्चर। अच्छा, जब स्टिग्मा पोलन ग्रेन्स के पास पहुंचता है तो पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं? पोलन ग्रेन एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम द स्टिग्मा। तो पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं? पोलन ग्रेन्स उन स्टिग्मा से क्या करते हैं? स्टिग्मा के सरफेस से क्या करते हैं? जो मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर जो घीलापन होता है, पानी होता है, उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करते हैं? बिगिंस टू ग्रो अ ट्यूब। फिर उससे ट्यूब ग्रो होने लगता है। उससे क्या होने लगता है? ट्यूब ग्रो होने लगता है, जिस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? पॉलन ट्यूब बोलते हैं। पॉलन ट्यूब बोलते हैं। द पॉलन ट्यूब लेंथेंस टू द स्टाइल एंड एंटर्स द ओव्यूल इन ओवरी। वो कह रहा है ये जो पॉलन ट्यूब होता है, इसकी जो लेंथ होती है, लेंथ कहाँ से होती है? स्टाइल से ओवरी होके भरती है। एंड ये ओव्यूल में जाता है ओवरी के थ्रू। ये ओव्यूल में जाता है, ओव्यूल में आके फिर ओवरी के अंदर चला जाता है, ठीक है ये। एंड देन इट रिलीजेस द मेल जेमेट्स। वहाँ पर जाकर क्या करता है? मेल जेमेट्स को रिलीज करता है, जो कि क्या करता है? विच फ्यूज विद द फीमेल एग सेल्स, जो कि वहाँ पर आकर किससे फ्यूज करते हैं? एग सेल, फीमेल एग सेल से फ्यूज करते हैं द ओव्यूल टू प्रोड्यूस अ जायगोट। और फिर एक क्या प्रोड्यूस होता है? कि जायगोट प्रोड्यूस होता है। फिर क्या प्रोड्यूस होता है? जायगोट प्रोड्यूस होता है। और इसे प्रॉपर डेफिनेशन दी हुई है फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन। फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन, सिंपल सा अगर बताऊँ उसका मीनिंग, एफ फॉर फर्टिलाइजेशन, एफ फॉर फ्यूजन। फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ द मेल सेल विद द फीमेल सेल, है ना। और किस लिए? टू प्रोड्यूस जायगोट, टू प्रोड्यूस जायगोट, ठीक है। द ओव्यूल कंटेनिंग द फर्टिलाइज्ड सेल डेवलप्स इनटू सीड। जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल जिसके अंदर फर्टिलाइज्ड सेल होता है, वो क्या, वो किस में चेंज रहता है? वो सीड में चेंज हो जाता है, डेवलप हो जाता है, सीड में डेवलप हो जाता है। द कवरिंग ऑफ द ओव्यूल गिव राइज टू द सीड कोट। और जो कवरिंग होती है ओव्यूल की, वो किस में चेंज हो जाता है? वो सीड कोट में चेंज हो जाता है। एंड द ओवरी कंटेनिंग द सीड डेवलप्स इनटू फ्रूट। और जो ओवरी होता है, वो पूरा का पूरा फ्रूट में चेंज जाता है, वो पूरा का पूरा फ्रूट में चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर क्या लिखा? द ओवरी रिमेन्स अटैच्ड टू द स्टॉक। ओवरी जो होती है ना, जो किस में चेंज जाता है? फ्रूट में। वो रहता तो अटैच स्टॉक से ही है, स्टॉक ऑफ द फ्लावर से, एंड ग्रोज इन टू अ फ्रूट। फ्रूट तो ओव्यूल्स इन साइड ओवरी डेवलप इन टू सीड। जो ओव्यूल्स होती है इन साइड द ओवरी, वो सीड में चेंज हो जाते हैं। अदर पार्ट्स लाइक सेपल्स एंड पेटल्स फॉल ऑफ, और बाकी की सारी झड़ जाती हैं, गिर जाती हैं, हट जाती हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन फ्लोरिंग पार्ट, फ्लावरिंग पार्ट, प्लांट्स में फ्लो चार्ट बता रहे। इसीलिए प्रोसेस होती कैसे है? तो पहले कर सकते, तो पॉलिनेशन होता है। तो पॉलिनेशन होता है, एक स्टिग्मा दूसरे प्लांट के उस पर जाएगा, क्या कहते हैं, क्या नाम था दूसरे पार्ट का? हाँ, स्टिग्मा एंथर के पास जाएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा? सब पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, वो पॉलन ग्रेन्स वहाँ पे अटैच हो जाएंगे। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। फर्टिलाइजेशन
एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन से दूसरे प्लांट में चले जाते हैं। द पोलन ग्रेन्स कंटेनिंग द मेल जेमेट्स लैंड्स ऑन दी सर्फेस ऑफ स्टिग्मा। द पोलन ग्रेन्स जो मेल जेमेट्स से होते हैं वो कहाँ पर पहुँच जाते हैं, स्टिग्मा के पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पर जाकर क्या करते हैं, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, उसको हम जर्मिनेशन या फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जर्मिनेशन बोलते, सॉरी तो जर्मिनेशन ही समझो, ठीक है। और द पोलन ग्रेन्स बिगिन टू ग्रो या पोलन ट्यूब, और फिर वो पोलन ट्यूब छिन जाते हैं, विच स्टार्ट से लेंथनिंग इन द डायरेक्शन ऑब्वियल टू बर्थ एक्सेल, और वो एक्सेल की तरफ भरने लगते हैं, ठीक है। फिर पोलन ट्यूब होता है वो क्या करता है, भरता है, पेनेट्रेट मतलब भरता है, पेनेट्रेट्स द फीमेल जेमेटोफाइट एंड एंटर्स इनटू द ओव्यूल। छोड़ देना लाइन को पीछे जो जाता है आप उसको ध्यान रखना, उसको छोड़ देना सॉरी स्टेप को, ठीक है। तो ये सब होने का क्या होता है, हाँ ऐसा मीनिंग समझो, एग्जैक्ट मीनिंग मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ का मतलब क्या। फिर पॉलन ट्यूब जो होता है वो थोड़ा एक्सपेंड होने लगता है, वो थोड़ा सा होने लगता है, एक्सपेंड होने लगता है, एक्सपेंड होकर कहाँ पहुँच जाता है, ओव्यूल की तरफ चला जाता है, ओव्यूल की तरफ चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं पेनिट्रेशन ऑफ द ओव्यूल बोलते हैं, पेनिट्रेशन ऑफ द ओव्यूल बोलते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में क्या होता है, दोनों मेल एंड फीमेल जेमेट्स के होते हैं, सॉरी अभी क्या लिखा, फिर लास्ट में क्या होता है, टू मेल जेमेट्स कैरिड द पोलन ट्यूब फर्टिलाइज द एग। सर जो मेल जेमेट्स होते हैं, ठीक है, जो कहाँ पे होते हैं, पोलन ट्यूब के अंदर भरे होते हैं, पोलन ट्यूब के अंदर होते हैं, वो क्या करते हैं, एग न्यूक्लियस को फर्टिलाइज करते हैं, और पोलन न्यूक्लियस इन द ओव्यूल रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द जायगोट एंड एंडोस्पर्म रेस्पेक्टिवली। ये कुछ और ही दिया हुआ है पेज आपने, वही पेज नहीं है 24, ये रहा यहाँ पे कुछ एडवांस दे दिया है, ये एडवांस इस चार्ट में वो है जो कुछ लिखा ही नहीं, चलो समझ लो दोबारा से क्या लिखा होगा। द टू मेल जेमेट्स कैरिड इन द पोलन ट्यूब, सब पोलन ट्यूब के अंदर जेमेट्स भरे हुए हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, वो लास्ट स्टेप पे क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, किसको फर्टिलाइज करते हैं, दो शिरक को, एक तो एग न्यूक्लियस को और एक पोलर न्यूक्लियस को, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोला गया, क्योंकि इसमें दो चीज़ें फर्टिलाइज हो रही हैं, ठीक है, इन द ऑव्यूल। और सारी चीज़ें कहाँ पर होती है, ऑव्यूल के अंदर, जिससे क्या होता है, जिससे क्या होता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, जिससे क्या होगा, जायगोट फॉर्म होगा, जिससे क्या होगा, जायगोट फॉर्म होगा, एंडोस्पर्म फॉर्म होगा, ठीक है। सर रेस्पेक्टिवली मतलब क्या, रेस्पेक्टिवली मतलब क्या, एग न्यूक्लियस है, एग न्यूक्लियस से जायगोट प्रोड्यूस होगा, और जो पोलन न्यूक्लियस है उससे एंडोस्पर्म प्रोड्यूस होगा। तो रेस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि जो चीज़ जैसे जैसे लिखी है उसका काम वैसे वैसे होगा। देखो तो आपको पोलन ट्यूब दिखा रहा है, पोलन ट्यूब कैसे आपका ऑव्यूल में एंटर करता है, ये फ्लो चार्ट कुछ ऐसा है, और आई डोंट थिंक ये आपके एमसीक्यू में आएगा, ठीक है। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, रिकॉर्डिंग हो रही है, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है नेचुरल जो पॉलिनेशन होता है। सर नेचुरल पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, कि पॉलन ग्रेन्स का एक फ्लावर के दूसरे फ्लावर के स्टिंग में पहुंच जाना उसको बोलते हैं पॉलिनेशन में ट्रांसफर हो जाना। ये तो नेचुरली होता था, नेचुरली कैसे होता था सर, ये विंड के थ्रू, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू होता था, इंसेक्ट के थ्रू होता था, ठीक है, ठीक है। आर्टिफिशियल का मतलब क्या, आर्टिफिशियल का मतलब यह है कि अब ये एयर के थ्रू या वाटर के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू नहीं होगा, ये मैनुअली करोगे, अब ये मैनुअली करोगे, अब खुद से करोगे, है हाँ। देखो ये लिखा है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, सर यहाँ तो कुछ सेम ही है, सुन द स्टिग्मा ये भी सेम है, स्टिग्मा ये भी सेम है, अब लास्ट में मैनुअली आप खुद से करोगे, मैनुअली मतलब कि हाथों से करोगे, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल, है ना। नाउअडेज आजकल आर्टिफिशियल पॉलिनेशन इज प्रैक्टिस बाय प्लांट ब्रीडर्स फॉर डेवलपिंग न्यू वेरिएंट्स। आजकल आर्टिफिशियल पॉलिनेशन ना यूज की जा रही है, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन ही किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, वो कौन कर रहा है, प्लांट ब्रीडर्स जो प्लांट को ग्रो करते हैं उनके द्वारा यूज किया जा रहा है, क्यों, किस लिए, ताकि वो नई नई वेराइटीज डेवलप कर सकें, नई नई वेराइटीज डेवलप कर सके। द ब्रीडर्स सेलेक्ट टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्रॉप प्लांट, सब दो अलग अलग तरीके के प्लांट लेते हैं, वो डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, अब जो उनको जैसा रिजल्ट चाहिए वैसा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वन वेराइटी में भी हाई यील्डिंग एंड द अदर में भी डिजीज रेजिस्टेंट, हो सकता है सर एक प्लांट ऐसा हो जो बहुत ज़्यादा यील्ड देता हो, यील्ड मतलब कि बहुत ज़्यादा ग्रो करता हो, ठीक है, और अदर हो सकता है जिससे बीमारी ना हो,
तो अब वो इन दोनों को मिलाएंगे तो किस तरह का प्लांट बनेगा, तो ज़्यादा ग्रो होने वाला, बीमारी कम करने वाला। हाँ, तो क्रॉस ब्रीडिंग, तो क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन देम इज डन बाय आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। अगर फिर इसमें क्रॉस ब्रीडिंग होगी, ठीक है, आफ्टर सेलेक्टिंग द मेल एंड फीमेल प्लांट्स आउट ऑफ द टू, दोनों में फीमेल मेल और फीमेल प्लांट सेलेक्ट कर लेंगे वो, द एंथर फ्रॉम द फ्लावर्स ऑफ द फीमेल प्लांट आर रिमूव, एंथर्स को रिमूव कर देंगे। दिस फीमेल फ्लावर्स आर देन पॉलिनेटेड, फिर इनको पॉलिनेट करेंगे विद द पॉलिनेशन टेकन फ्रॉम द फ्लावर्स ऑफ द मेल प्लांट। ठीक है, मैनी हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ राइस वीट प्रोड्यूस बाय दिस हैव बीन प्रोड्यूस बाय दिस प्रोसेस। तो इनके थ्रू ये क्या करते हैं, हाई यील्डिंग वेराइटीज वाले प्लांट्स को ग्रो करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देने में राइस के, वीट के, मेज के, एटसेट्रा, इन सारे प्लांट्स को क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस, बाय दिस प्रोसेस, इस आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के थ्रू, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के थ्रू। क्वेश्चन आंसर आपने मुझे सेंड किए नहीं है? हाँ, ये मैं आपको बताता हूँ, गिफ्ट फीचर्स ऑफ फ्लावर्स विच फेवर पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। कौन से दो फीचर्स हैं फ्लावर्स के जो पॉलिनेशन, जो पॉलिनेशन को अट्रैक्ट करते हैं, पॉलिनेशन के फेवर में होते हैं बाय इंसेक्ट। तो पहला दे फ्रेगनेंट, उनमें से स्मेल आती है, नस्सी आती है, बहुत अच्छी स्मेल आती है, जिससे वो क्या करते हैं फ्लावर्स को इंसेक्ट, जिससे वो इंसेक्ट्स को क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं। तो आप तो यहाँ पे फ्रेगरेंस वाला पॉइंट लिख देना बुक से देखकर, ठीक है, फ्रेगरेंस वाला। और दूसरा हनी वाला, दे कैरी नेक्टर, है ना, दे कैरी नेक्टर। सेंटेंस को तो आप बनाना, पॉइंट बता रहा हूँ केवल। एक तो ये अपने पास रखते हैं नेक्टर, रखते हैं नेक्टर, तो नेक्टर की वजह से क्या आते हैं इंसेक्ट उनके पास आते हैं। ठीक है, अब पूछा दो फीचर था, अकर्स बाय विंड, अकर्स बाय विंड, तो अकर्स बाय विंड के लिए क्या होगा सर, एक तो ये काफ़ी स्लाइट होते हैं, काफ़ी हल्के होते हैं, काफ़ी लाइट वेट होते हैं, इजीली विंड इनको कैरी कर सकती है। ठीक है, और क्या था इसका आंसर, और विंड क्यों, विंड वाली प्रोसेस क्यों होती थी। हाँ, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते थे, लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में, है ना। बस यही आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका, ये वाला भी।